सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने लगे हैं। तो यार मैं आपको बताऊंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि यार काफी सारे लोगों ने इसी टॉपिक के लिए काफी बार मुझे पूछा था कि यार व्यूज वाली फंक्शनैलिटीज कैसे करनी है, कब करनी है और करके दिखाओ यार। तो यार आपका वेट खत्म हो गया, आज हम कर ही रहे हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लो यार। और मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरी वीडियो है, ये मेरे एक यूट्यूब क्लोनिंग जैंगो की प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिसमें मैं आपको यूट्यूब कैसे बनाते हैं वो स्टार्टिंग से लगे एंड तक सिखाऊंगा। मतलब हम यार जैंगो के अंदर यूट्यूब बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे, मतलब सब कुछ सीखेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने अपना वीएस कोड एडिटर खोल लिया हुआ और यहाँ मैं कमांड दूंगा पाइथन मास्टर पीवाई रन सर्वर का। और मैं आपको बता दूं, जो भी यार मैं क्या कहते हैं व्यूज वाली फंक्शनलिटी करनी है वो मैंने सभी के सभी इसी वीडियो के अंदर कर देनी है। और मैं आपको बता दूं, जो पिछली वीडियो में हमारे पास डाटा था यार, मतलब जो भी हमारे पास डाटा था ना, वीडियो थी, यूट्यूबर्स थे, वो मैंने सभी के सभी मतलब पता है कि मैंने वीडियोस वाला डाटा पीछे से उड़ा दिया था, मतलब क्या कहते हैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन से उड़ा दिया था, क्योंकि हमारे पास कोई भी वीडियोस नहीं है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, मैं वीडियो क्या कहते हैं अपलोड करूंगा। पर ये वीडियो अपलोड करने के पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर यूट्यूबर्स में से मैं एडमिन को निकाल दूं ना, जो हमारा अभी लॉगिन यूजर है, अगर मैं निकाल दूं, डिलीट कर दूं और यहाँ अपने जेंगो सर्वर पे जाऊं, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे ये देखो हमारा डिसअपीयर हो जाता है वो क्या कहते हैं वीडियो अपलोड वाला, और मैं अगर बिकम अ यूट्यूबर पे क्लिक करूं, मतलब काफी खुशी होती है कि हम इतनी आगे तक आ रहे हैं। जैसे मैंने बिकम अ यूट्यूबर के ऊपर क्लिक किया तो तभी वो आइकन आ गया और मैं चैनल बनाऊंगा, चैनल का नेम दे तो एडमिन चैनल, चूज फाइल में मैं अपनी 18.png मतलब थंबनेल दे दिया मैंने। चलता हूं अपने जेंगो सर्वर पे, अब एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्या कहते हैं हम कोई भी एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो यार मैंने क्या कहते हैं वीडियो अपलोड करने से पहले मैं क्या करूंगा, ओके वीडियो अपलोड। तो यार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यार जो भी ये डीबी सिग्नल लाइट वाली मेरी ये फाइल है ना, तो मैं ऐसे करके फोल्डर खोल लेता हूँ। मुझे क्या क्या डिलीट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने यूट्यूब वाले फोल्डर पर चलता हूँ, तो यूट्यूब क्लोनिंग जैंगो। तो यार मुझे मैं एक ये db.sqlite वाली फाइल डिलीट करूंगा और मुझे अपना वीएस कोड एडिटर बंद करना होगा। मैंने ये db.sqlite वाली जो भी हमारी ये डाटाबेस वाली फाइल, इसे मैं डिलीट करूंगा और यूट्यूब ऐप के अंदर जो ये माइग्रेशंस वाली फाइल है इसे डिलीट करूंगा। क्यों कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं आगे, और ये मीडिया वाली फाइल भी, मीडिया वाला फोल्डर भी मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने मीडिया वाला फोल्डर भी डिलीट कर दिया। अब मैं अपना वीएस कोड एडिटर खोलूंगा, ओपन करूंगा, और अगर यहाँ मैं अपने सर्वर पर जाऊँ, मतलब अभी तो सर्वर पर नहीं रन कर रहा, पर अगर मैं सर्वर रन करूँ ना, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। मतलब यार सब कुछ हमने उड़ा दिया हुआ है, सब कुछ का मतलब यह, मतलब जो भी डाटा है हमारे पास। और यहाँ मैं अगर जाके रिफ्रेश करूँ ना, तो यहाँ मैं लॉग आउट हो गया, क्योंकि टेबल जेंगो का कोई सेशन ही नहीं है, मतलब सेशन वाला टेबल ही नहीं है। क्योंकि यार आपको अगर आपने कभी जेंगो के अलावा कोई और फ्रेमवर्क यूज किया है जिसमें ऐसे कोई साइट एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जिसमें यार इनपुट कोई लॉगिन और क्या कहते हैं साइन अप वाली फंक्शनलिटी हो, तब आपको सेशन समझ आ गया होगा, मतलब सेशन की ज्यादा अगर यूसेज, क्योंकि हम लॉगिन के वक्त सेशन यूज करते हैं। तो मतलब छोड़ो यार, अगर आपको नहीं आता, मतलब आप तो जेंगो हम देख रहे हैं ना, तो चलो इसकी बात भी रहते। तो साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हो, ये कह रहा है नो सच टेबल, क्योंकि हमें एरर आ रहा है। तो यार हमें क्या करना होगा, हमें क्या कहते हैं कमांड देना होगा पाइथन मास्टर पीवाई मेक माइग्रेशन का। मेक माइग्रेशन का कमांड आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जो भी हमारी ये मॉडल्स है मेरे सीक्वल की क्वेरी में चेंज करने के लिए यूज होता है। और क्या हो गया, और देखो यार मैंने माइग्रेशंस वाला फोल्डर डिलीट कर दिया है। तो अगर मैं पाइथन मास्टर पीवाई मेक माइग्रेशंस करूँ ना, ये कहेगा नो चेंजेस डिटेक्ट, क्यों? और आप कहोगे यार हमने तो माइग्रेशंस वाला मतलब फोल्डर डिलीट कर दिया हो, चलो वो तो छोड़ो, पर हमने models.py के अंदर मॉडल तो बनाया है ना, तो हमें ये मतलब यार ये माइग्रेशंस जैसे हमने दिया है कमांड, तो ये मतलब इसे माइग्रेशन करनी चाहिए, पर ये नहीं करा, क्यों? क्योंकि हमने माइग्रेशंस वाला फोल्डर डिलीट कर दिया है। तो मुझे जो भी ऐप है उसका नाम भी देना होगा और ये माइग्रेशन करते हुए माइग्रेशन वाला फोल्डर भी बन गया। और मुझे अब एक और कमांड देना होगा पाइथन मास्टर पीवाई माइग्रेट का, ये क्या करेगा जो भी माइग्रेशन हुई होते हैं माइग्रेट कर देगा, ठीक है। अब मुझे एक कमांड देना होगा पाइथन मास्टर पीवाई रन सर्वर का, और हमारी डाटाबेस फाइल भी अपने आप जनरेट हो गई हुई है। तो मैं चलता हूँ अपने डाटाबेस पे। अब मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ ना, अब मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा, मैं लॉग आउट आ गया हूँ सिंपली। तो यहाँ मैं लॉगिन करूंगा, क्योंकि लॉगिन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक करते यार डाटाबेस डिलीट कर दिया, तो मुझे सुपर यूजर भी मेरा डिलीट हो चुका होगा।
तो मुझे सुपर यूजर भी अपना बनाना है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पाइथन IWA क्रिएट सुपर यूजर का कमांड, उससे ही होगा मैं अपना सुपर यूजर बना पाऊंगा। तो यहाँ मैं ईमेल एड्रेस नहीं दूंगा एडमिन का, ओके सुपर यूजर मैंने बना लिया, मैंने लॉगिन भी कर लिया सुपर यूजर से। वीडियोस वाले में मतलब कोई मैं अभी एक वीडियो नहीं, तो ऐसा कहते हैं हम सबसे पहले यूट्यूबर बनते हैं। तो यहाँ जंगो सर्वर पे दोबारा चलता हूँ, मैं बिकम माय यूट्यूबर पे क्लिक करता हूँ, बिकम माय यूट्यूबर चैनल्स नेम में मैं एडमिन चैनल दूंगा, चैनल इमेज मैं दे दूंगा जो मेरा ये थंबनेल है, क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ एडमिन वाले पे यूट्यूबर पे चलता हूँ, इसकी जो ये इमेजेस के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो ये कह रहा है ये डजंट एक्सिस्ट, क्यों यार ये कभी कभी मुझे पता है क्यों आ रहा है। तो ऐसे करते हैं तो इसे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से फिर से चेंज कर देता हूँ, तब ये मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये देखो अब ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर मैं अपने चलो पर जैंको सब पे और कुछ नहीं, सब कुछ सही है। अब मैं कोई वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मैं लिखते हूँ फर्स्ट अपलोड वीडियो पे चलता हूँ, वीडियोस वाले में ये वीडियो मैंने दे दी कोई भी, और पिक्चर्स में मैं दे देता हूँ ये सेव्ड पिक्चर्स, मेरा ये थंबनेल, वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ। अपलोड पे बटन पे क्लिक किया तो मैं यार मेन पेज पे आता हूँ, वीडियो अपलोड हो गई है। तो ये देखो मुझे हमारी ये वीडियो अपलोड हो गई है, सब कुछ सही से चल रहा है। और यार मैंने यहाँ पर अब व्यूज वाली हम फंक्शनैलिटी कर देते हैं, तो व्यूज वाली फंक्शनैलिटी के लिए हम हमें एक ही अपनी फाइल चाहिए, वो है models.py। इसके अंदर मैं वीडियो वाले में एक और कॉलम ऐड करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा व्यूज, जो होगी हमारी models.integer फील्ड। और जैसे मैं ये दूंगा तो मुझे एक कमांड देना होगा, मैंने मॉडल चेंज किया तो मुझे माइग्रेशन करनी होगी, तो यहाँ मैं दूंगा python enter py मेक माइग्रेशन। और यह मुझे मैं क्या करूंगा, जो मेरे वीडियोस के अंदर ये कह रहा है वीडियो यूट्यूब ऐप डॉट वीडियोस डॉट व्यूज नो सच कॉलम, तो यह मुझे क्या करना होगा, अभी ये मैं कमेंट कर देता हूँ कॉलम, मैंने ये पता है कमेंट किया, वैसे ऐसे कुछ एरर तो आना नहीं चाहिए था। अब चलता हूँ वीडियोस वाले पे, तो मुझे वीडियो दिख रही है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा जो ये वीडियो है ना इसे डिलीट कर दूंगा, क्या करूंगा इसे डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं इसे डिलीट किया, अब मुझे एक मैं कमांड दूंगा python enter py मेक माइग्रेशन, ये क्या हो गया, फिर से दूंगा python enter py या क्रिएट सुपर यूजर, नहीं क्या चल रहा है यार लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है। तो मैं कमांड दूंगा python enter py मेक माइग्रेशन migrations, तो यार ये migrations के कह रहा है कोई changes detect नहीं हुए क्योंकि हमने सच्ची में कोई changes नहीं किए, अब मैंने changes कर दिए हैं। तो अभी हम python enter py make migrations, तो मैं कहूँगा जो फर्स्ट पहले वीडियो से उनको ये देता हूँ प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन, सॉरी हो गया। अब मैं एक कमांड दूंगा python manage.py माइग्रेट, तो ये हमारा माइग्रेट हो गया, ये कह रहा है फील्ड व्यूज एक्सपेक्टेड नंबर बट कोड के ओके, तो यहाँ मुझे python manage.py दोबारा देना होगा भाई माइग्रेशन नो चेंजेस डिटेक्ट। तो यार मुझे एक बार डिलीट करनी होगी, हमने फील्ड कट कर दी यार, काफी पता नहीं क्यों एरर आ रहे हैं आज हम, पर अब नहीं आएंगे आगे, हम देख लेते हैं माइग्रेशन। तो ये इसने रिमूव कर दी फील्ड, अब मैं क्या करूंगा फील्ड दोबारा ऐड कर दी मैंने, अब मैं कहूंगा python enter py मेक माइग्रेशन, तो मैं फर्स्ट वाला करूंगा, मैं कहूंगा सभी जो वीडियोस है ना उनके जीरो व्यूज कर दो अभी जो पहले से है, अब मैं दूंगा python manage.py माइग्रेट, तो अब सब कुछ सही चलना चाहिए, ठीक है। फील्ड व्यूज एक्सपेक्टेड है नंबर बट कोड ये क्यों, या मैंने तो नंबर दिया अब क्यों ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है ना यार मुझे वी एस कोड एडिटर बंद करना होगा, क्यों, क्योंकि मुझे अब फिर से जो हमारी सीक्वल फाइल है वो डिलीट करनी होगी और माइग्रेशंस वाली फाइल भी डिलीट करनी होगी, और क्या डिलीट करनी होगी यार, मैं ये मीडिया वाली भी फाइल डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अपना वी एस कोड एडिटर दोबारा ओपन करूंगा, यार जो प्रोसीजर था वही दोबारा करना पड़ेगा, अब जो models.py फाइल के अंदर है मतलब ये सब कुछ सही से चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कमांड दूंगा सबसे पहले python manage.py मेक माइग्रेशन, तो मैं दे दूंगा यहाँ यूट्यूब ऐप, ये सब कुछ सही से हो गया। अब मैं यहाँ दूंगा python enter py माइग्रेट माइग्रेशन, अब माइग्रेट भी होगी, अब मैं दूंगा python enter py क्रिएट सुपर यूजर दोबारा वही कमांड। यार मुझे लग रहा है थोड़ी वीडियो हल्की सी बोरिंग हो रही है यार, मतलब
बोरिंग नहीं हो रही यार, आपने कुछ सीखना तो यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, पता नहीं आज क्यों थोड़े क्या कहते एरर आते हैं, कुछ नहीं होता। पर अब तो यार सब कुछ सही हो गया, अब हमारे व्यूज पर भी मतलब व्यूज वाली फील्ड भी ऐड हो गई है जो हमें चाहिए। अब मैं सर्वर रन करूंगा, सब कुछ सही से चल रहा है बिना किसी एरर के। वीडियोस वाले पे चलता हूँ, तो ये हम लॉग आउट हो गए हैं, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं लॉगिन हो गया हूँ, और यहाँ मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये कह रहा है मुझे जंगल सर्वर पे जाना होगा। अब मैं बिकम माय यूट्यूबर पे क्लिक करता हूँ दोबारा, बिकम माय यूट्यूबर एडमिन चैनल, कुछ भी फाइल दे देता हूँ, क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया, वीडियो अपलोड कर लेता कोई भी वीडियो स्टाइल देता हूँ फर्स्ट अपलोड। और वीडियो पे मैं ये गाइस हमें एक और चीज देनी होगी, इंटीजर फील्ड के अंदर हमें नल इज इक्वल टू ट्रू देना होगा। क्यों नल इज इक्वल टू ट्रू देना होगा, बस हम अभी देंगे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, हम अभी देखते हैं। पर पहले मैं नल इज इक्वल टू ट्रू दे दूँ, और यहाँ मैं एक कमांड दूंगा पाइथन मैटर पी वाई माइग्रेशन। क्यों हमें ये माइग्रेशन करनी होगी, हमने मॉडल्स में चेंजेस किए हैं, और यहाँ मैं कमांड दूंगा पाइथन मैटर पी वाई माइग्रेट। ये मैंने नल इज इक्वल टू ट्रू और ब्लैंक से ट्रू इसलिए दे क्योंकि ये फील्ड खाली भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम हैंडल कर लेंगे अगर ये खाली होती है तभी। तो मैं रन सर्वर पे क्लिक किया, तो यार मैं खाली फील्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार देखो जब वीडियो यूजर वीडियो अपलोड करेगा तब तो हम किसी व्यूज में कुछ देना नहीं चाहते ना व्यूज वाली फील्ड में, तो या हम डिफॉल्ट फील्ड भी दे सकते थे, चलो छोड़ो। और मैंने वीडियोस में थंबनेल में ये दे दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन या डिफॉल्ट फील्ड भी हमें देना होगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा डिफॉल्ट इज इक्वल टू होगा जीरो, मतलब जो भी इसका डिफॉल्ट होगा वो होगा जीरो, ये भी हमें देना होगा। तो मैं पाइथन मैटर पी वाई मेक माइग्रेशन वाले फिर से सब मतलब रन करूँगा कमांड, फिर मैं दूंगा पाइथन मैटर पी वाई माइग्रेट, और अब दूंगा रन सर्वर। अब यार इससे अलावा तो कुछ नहीं हमें चाहिए, हाँ तो यहाँ मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे दूंगा, अपलोड पे बटन पे क्लिक करूंगा, वीडियो अपलोड हो गई है, जेंगो सर्वर पे चलता हूँ। तो अब यार देखो व्यूज में हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो क्यों नहीं दिख रहा, तो ये ऐसे करते हैं हम यहाँ व्यूज देखना चाहते हैं इस वीडियो के व्यूज कितने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम चलते हैं वीडियो डॉट एचटीएमएल के अंदर जो हम वीडियो भेज रहे हैं, तो इसके व्यूज में भी हम कर देते हैं कि हमें यहाँ व्यूज आए। तो यहाँ करूंगा वीडियो डॉट व्यूज जो हमने मॉडस्टर पी वाई के अंदर दी है फील्ड का नाम वीडियोस डॉट व्यूज, रिफ्रेश किया तो ये देखो कह रहा है जीरो व्यूज क्योंकि अभी तक कोई भी व्यू नहीं आया। और यार ये वीडियो क्यों नहीं हमारी सही से आ रही, हमने वीडियोस तो अपलोड की है। ओके ओके, तो वीडियो में हमने यार गलती से वीडियो नहीं अपलोड की, इमेज अपलोड करती है, तो ऐसे करता हूँ मैं वीडियो चेंज कर देता हूँ इसे, सेव के बटन पे क्लिक किया, ये वीडियो चेंज होगी, रिफ्रेश करते हो तो यहाँ मुझे वीडियो आ रही है। तो गाइस अब सब कुछ हो गया, अब हमारा मेन लॉजिक चलेगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे कोई यूजर इस वीडियो को देखे तो ये जो भी व्यू है ये इंक्रीज हो जाए, तो वो हमें कैसे करना है, अब हमें सिर्फ व्यूस्टर पी वाई फाइल चाहिए। तो मैं चलूंगा व्यूस्टर पी वाई फाइल के अंदर और वीडियो वाले क्या कहते हैं फंक्शन में चलता हूँ, कौन से वाले वीडियो वाले फंक्शन पे। अब मैं जानूँ जैसे कोई यूजर इस वीडियो पे आ रहा है तो सबसे पहले तो ये वीडियो निकालो जो मैंने यहाँ से निकाल ली, मैं कहूँगा वैसे ये वीडियो निकालो, मैं कहूँगा वीडियो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर जहाँ आई डी इज इक्वल टू आई डी है जो भी ये आई डी है, और यहाँ मैं लिखूंगा व्यूज इज इक्वल टू अभी जीरो, व्यूज इज इक्वल टू जीरो। तो मैं ये किया, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा व्यूज इज इक्वल टू जो भी ये वीडियो डॉट व्यूज होंगे, जो भी ये वीडियो डॉट व्यूज होंगे। तो अगर यहाँ मैं प्रिंट करूँ व्यूज, मैं बताता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ लॉजिक व्यूज, और चलूँ यहाँ रिफ्रेश करूँ तो ये कह रहा है क्वेरी सेट ऑब्जेक्ट है नो व्यूज क्योंकि ये बड़ा होगा, चलो ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो क्यों यार इसके ये वीडियो पे चलता हूँ, ये कह रहा है क्वेरी सेट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट। ओके तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा फर्स्ट, मतलब इसकी सबसे पहले वाली चाहिए ना, तो अब ये सॉल्व हो जाना चाहिए, रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब ये सॉल्व हो गई है क्योंकि ये क्वेरी सेट आ रही थी तो मुझे मतलब मैंने फर्स्ट निकाला। और ये देखो कितने व्यूज है हमें जीरो, अब यार देखो प्रिंट किया व्यूज तो जीरो, मैंने क्या किया इस व्यूज में जो भी इस वीडियो के व्यूज थे वो डाल दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूंगा मैं बताता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ व्यूज इज इक्वल टू बता का, मैं यहाँ पर दूंगा अब जो व्यूज है ना वो हो जाए वीडियो डॉट व्यूज, जो भी वीडियो के व्यूज है प्लस वन, प्लस वन क्यों, क्योंकि जो भी व्यूज होगा वो एक ही व्यू होगा ना, हमने एक ही इंक्रीज करना है, मतलब जैसे ही यूजर आया उसने किया तो जो भी हमारे व्यूज है उसमें एक प्लस हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो भी ये वीडियो, जो भी हमारे पास ये वीडियो डॉट अपडेट, वीडियो डॉट अपडेट वेयर व्यूज, वेयर व्यूज इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा इस व्यूज के बराबर, बस ये करूंगा। चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मतलब यहाँ जैंगो सर्वर पे चलता हूँ, अगर मैं अभी यहाँ पर जाऊँ तो ये कह रहा है वीडियो ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट। ओके तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा वीडियो अप नाम का, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा वीडियो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, जहाँ मतलब ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर वेयर आई डी इज इक्वल टू आई डी, ये वाली मैं यही वीडियो निकाल रहा हूँ अभी। यहाँ मैं क्या करूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दो मिनट मुझे बताया आपको अभी तक, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ व्यूज, जो व्यूज से हो गए इसी कॉस्ट हो गए व्यूज के, चलता हूँ यहाँ अपने जैंगो सर्वर पर, चलता हूँ दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया तो यार गाइस अब देखो इसका क्या हुआ है, इसका व्यू अब एक हो गया, क्यों, क्योंकि हमने हमने जैसे इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया ना, आपको बताता हूँ इसका व्यू क्या हो गया, एक व्यू हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इस वीडियो को देखा है। रिफ्रेश करूंगा तो अब इसका व्यू कितना हो गया, दो, क्योंकि अब मैंने अब इसे दोबारा देखा है। तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर दू तो देखो यार जैसे जैसे हम इसे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश का मतलब एक नया यूजर आ रहा है, वैसे समझ लो जैसे अगर हम इस वीडियो के ऊपर दोबारा क्लिक करूँ तो इसका व्यू देखो पहले इसका व्यू टू था और अब ये थ्री हो गया है, अगर यहाँ मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे थ्री हो रहा है, मतलब यार अब व्यूज भी हम इंक्रीज कर दें क्या कहते वीडियो के। अब कैसे कर रहे हैं आपको बता दो, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा, मतलब जिसको मैंने वैल्यू दी जीरो, उसके बाद मैंने वीडियो से कुछ वीडियो डॉट ऑब्जेक्ट फिल्टर वही वाली वीडियो, मतलब वीडियो निकाली और उसके जो भी व्यूज थे उसमें एक प्लस कर दिया, और उसके बाद मैंने फिर से वही वाली वीडियो निकाली और उसकी जो भी व्यूज वाली फील्ड थी अपडेट कर दी, जिससे क्या हुआ कि हमारी ये व्यूज वाली फंक्शनैलिटी बन गई। और देखो जैसे जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो इसका व्यूज बढ़ रहा है, अगर आप अपने क्या कहते यूट्यूब पे भी जाओगे ना तो वहाँ भी सेम ही हो रहा है, आप देख सकते हो, मैंने चेक भैया मैं खुद ही यूट्यूबर मैंने देखा हुआ है। तो ये देखो यार ऐसे हमारा व्यू इंक्रीज भी हो रहा है, जैसे आप देखो पांच व्यू हो गया, पहले तो तीन था, अगर यहाँ मैं रिफ्रेश करूँ तो पांच हो गया है। तो गाइस यार देखो हमने व्यूज वाली भी फंक्शनैलिटीज बना ली है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।